बाजार के हाल के साथ आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 21 अंकों की बढ़त लेकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 4 अंकों का सुधार देखने को मिला। छोटे मझौले शेयरों में भी खरीदारी लौटी है। बीएससी का जो मिड कैप इंडेक्स है वो 0.29% और जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.17% की बढ़त लेकर बंद हुआ है। तेल गैस शेयरों में भी आज के सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। बीएससी का ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.96% चढ़कर बंद हुआ है। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के दम पर बैंक निफ्टी 1.27% की बढ़त लेकर 31,100 के लेवल्स पर बंद हुआ। निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.17% जबकि प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.38% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज के सेशन में ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी में ऑटो का इंडेक्स जो है उसमें 0.22%, एफएमसीजी इंडेक्स में 0.46% जबकि मेटल इंडेक्स में 0.19%, फार्मा इंडेक्स 0.06% और आईटी इंडेक्स 0.53% टूटकर बंद हुए हैं। निफ्टी के रियल्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो 0.69%, मीडिया इंडेक्स 2.82% जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में 0.80% की बढ़त दर्ज की गई है। एडवांस और डिक्लाइंस की अगर बात की जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 25 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 25 शेयरों में बिकवाली हावी रही। नेशनल बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो 12 के 12 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए हैं, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 16 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। 15 शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। बाजार का आज का सेशन खत्म होने पर सेंसेक्स 21.47 अंकों की बढ़त के साथ 40,345.08 के लेवल्स पर बंद हुआ है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो 4.80 पॉइंट्स की तेजी इसमें भी दर्ज की गई है। 11,912 के लेवल्स पर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। चलिए शो में आगे बढ़ लेते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं कॉर्पोरेट्स को लेकर वो भी जानना बेहद जरूरी है। नौमेरा की रिपोर्ट के साथ शुरुआत करेंगे। भारत फोर्ज पर इसने रिपोर्ट पेश की है। न्यूट्रल स्टैंस होगा ब्रोकरेज हाउस का। टारगेट्स में बढ़ोतरी की गई है। 408 से टारगेट्स को बढ़ाकर 458 के नए टारगेट्स आपको दिए गए हैं। तो न्यूट्रल स्टैंस है ब्रोकरेज हाउस का। स्टॉक को लेकर अगर बात करें तो आज के सेशन में 1.80% की तेजी हमने इस स्टॉक में देखी थी। 435 के लेवल्स पर स्टॉक क्लोज हुआ है और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 458 के लेवल्स ये स्टॉक खा सकता है, इसमें नजर रखे चल सकते हैं। कोटक ने भारत फोर्ज पर जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें बिकवाली की सलाह स्टॉक को लेकर बनाए रखी है। टारगेट्स में लेकिन बढ़ोतरी की है। 365 से 375 के नए टारगेट्स आपको दिए गए हैं। तो हालांकि स्टॉक को लेकर बियरिश है ब्रोकरेज हाउस, लेकिन टारगेट्स में बढ़ोतरी की गई है और कहा गया है कि 375 के टारगेट्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। आज के सेशन में 435 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। जानकारी दे दें कि ये जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है वो बाजार खुलने से पहले आई थी। आज के सेशन में 1.80% की तेजी हमने स्टॉक पर देखी है। कोटक इंस्टीट्यूशन ने एमआरएफ पर भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। बिकवाली की सलाह दी गई है। टारगेट्स जो दिए गए हैं वो 54,000 रुपये के तय किए गए हैं। तो शेयर टूट सकता है। स्टॉक की अगर बात की जाए तो 2.13% की गिरावट आज के सेशन में देखी थी। 63,046 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि स्टॉक टूटकर 54,000 के लेवल्स पर आ सकता है। तो ऐसे में स्टॉक में आपको बेचने की सलाह दी गई है। कोटक इंस्टीट्यूशंस ने आयशा मोटर्स पर भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। बिकवाली की रेटिंग को बनाए रखा है। टारगेट्स 15,000 से बढ़ाकर 17,000 के किए गए हैं। तो बिकवाली की सलाह है। ऐसे में स्टॉक की अगर बात की जाए तो 17,000 के टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस दिए हैं। 1.56% की तेजी, माफ कीजिएगा, गिरावट दर्ज की गई है। 21,363 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। जानकारी दे दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी कोटक ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। खरीदारी का व्यू रखा है। लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है। 770 रुपये से टारगेट्स को बढ़ाकर 820 रुपये किया गया है। तो स्टॉक में तेजी एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रोकरेज हाउस 820 के टारगेट्स के लिए। हालांकि आज के सेशन में दबाव देखने को मिला था। 0.87% टूटकर 574 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि स्टॉक 820 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है, नजर रख के चल सकते हैं। क्रेडिट स्विस ने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउस का मानना है। 720 रुपये से टारगेट को बढ़ाकर 740 रुपये के नए टारगेट्स आपको दिए गए हैं। आज के सेशन में 0.87% की गिरावट देखी थी। 574 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 740 तक ये स्टॉक उछल सकता है। तो ऐसे में नजर रख के चल सकते हैं। टीटी के
प्रेस्टीज पर क्रेडिट स्विस ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट्स जो दिए गए हैं वो 5700 के दिए गए हैं, तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है। 5700 के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। आज के सेशन में 0.98% की वीकनेस हमने देखी थी, 6024 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ था और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि और टूट के नीचे आ सकता है स्टॉक, तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आई है। सीएलएस ने इप्का लेबोरेटरीज पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, बिकवाली का व्यू होगा ब्रोकरेज हाउस का, टारगेट्स में लेकिन बढ़ोतरी की है, 810 रुपये से टारगेट्स को बढ़ाकर 950 किया है, तो बेचकर चल सकते हैं ब्रोकरेज हाउस ने, टारगेट्स में लेकिन रिविजन किया है 950 का। आज के सेशन में बढ़ा था शेयर 2.02% की बढ़त लेकर 1090 के टारगेट्स के लेवल्स पर स्टॉक क्लोज हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि स्टॉक और नीचे आ सकता है, तो ऐसे में बेचकर चल सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर सीएलएसए ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें ब्रोकरेज हाउस बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी का स्टांस होगा ब्रोकरेज हाउस का, टारगेट्स में भी रिविजन किया गया है, 1330 रुपये से टारगेट्स को बढ़ाकर 1500 के नए टारगेट्स आपको दिए गए हैं, तो खरीद कर चल सकते हैं, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऐसा ब्रोकरेज हाउस का मानना है। आज भी 2% की बढ़त हमने देखी थी, 1481 के लेवल्स पर स्टॉक पहुंच चुका है, चूंकि ये रिपोर्ट जो आई थी वो बाजार खुलने से पहले आई थी, तो ऐसे में टारगेट्स जो दिए गए थे उससे काफ़ी आगे स्टॉक निकल चुका है। कोटक महिंद्रा की, अगर कोटक ने डॉक्टर लाल पैथलैब पर जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें बिकवाली का स्टांस रखा है, टारगेट्स जो दिए गए हैं वो 1060 के दिए गए हैं, तो बिकवाली की सलाह 1060 के टारगेट्स के लिए, इस शेयर पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, 1481 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ था, लेकिन कोटक का मानना है कि 1060 के टारगेट से ये स्टॉक दिखा सकता है, तो बेच के चल सकते हैं, तो अलग अलग व्यू है ब्रोकरेज हाउसेस का। सिटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें अगेन एक और ब्रोकरेज हाउस है जो इस स्टॉक को लेकर बुलिश है, खरीदारी का स्टैंड है, लक्ष्य जो दिए गए हैं वो 1475 रुपये से बढ़ाकर 1700 के किए गए हैं, तो सिटी का मानना है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कोटक का ऐसा मानना है कि स्टॉक को बेच कर चलना चाहिए, आगे स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन सिटी खरीदारी की सलाह दे रहा है, टारगेट्स में भी रिविजन किया गया है, 1700 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का स्टांस होगा सिटी का। आज के सेशन में 1481 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है 2% की बढ़त लेकर, ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रख के चल सकते हैं। चलिए आज कौन कौन से नंबर्स आए हैं वो भी आपको बता देते हैं, स्टॉक से न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, इसने अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं। FY20 का जो सेकंड क्वार्टर रहा है उसमें मदरसन सुमी का जो मुनाफा है उसमें 3.6% की बढ़त दर्ज की गई है, 384.6 करोड़ रुपये कंपनी ने को प्रॉफिट हुआ है। वित्त वर्ष 2019 की जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें कंपनी को प्रॉफिट 371.1 करोड़ का हुआ था। FY20 के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी की आमदनी पर नज़र डालें तो 5.4% बढ़कर 15,924 करोड़ रुपये की हुई है, जबकि FY19 के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी की आमदनी 15,105 करोड़ रुपये की रही थी। सालाना आधार पर अगर कंपनी के एबिटा पर नजर डालें तो 1,300.2 करोड़ रुपये से ही बढ़कर 1,319 करोड़ रुपये पर आ चुका है, तो मुनाफा 3.5% बढ़ा है, आय में भी 5.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, एबिटा भी बढ़कर सामने आई है। स्टॉक की अगर बात की जाए तो मदरसन सुमी के शेयर में आज 4.25% की बढ़त दर्ज की गई है, 134 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। अदानी पोर्ट्स मराइन पोर्ट और सर्विसेज कारोबार में कंपनी सक्रिय है, इसने अपने क्वार्टरली नंबर्स जो पोस्ट किए हैं उसमें कंपनी का जो मुनाफा है वो 72.4% बढ़कर 1059.2 करोड़ का दर्ज किया है, जबकि FY19 का जो सेकंड क्वार्टर रहा था उसमें कंपनी को 614.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। FY20 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी की आमदनी पर नजर डालें तो 8.2% बढ़कर 2,821.2 करोड़ रुपये की रही है, जबकि FY19 का जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें कंपनी की आमदनी 2,608 करोड़ रुपये की दर्ज की गई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एबिटा पर नजर डालें तो 1,133 करोड़ रुपये से ये बढ़कर 1,311.1 करोड़ रुपये के रहे हैं। एबिटा मार्जिन में भी बढ़त दर्ज की गई है, 43.4% से ये बढ़कर 46.5% के हुए हैं, तो मुनाफा 72.4% बढ़ा है, आय में भी 8.2% की बढ़त देखने को मिली है, एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों में ही बढ़कर सामने आए हैं। स्टॉक में लेकिन पोस्ट नंबर्स
मामूली तेजी दर्ज की गई 0.40% की बढ़त लेकर 387 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। एल्केम लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी है, इसने भी अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं। 45.7% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 371 करोड़ का हो गया है, जबकि FY19 का जो सेकेंड क्वार्टर रहा था उसमें कंपनी को 254.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। साथ ही कंपनी की आय पर नजर डालें तो 18% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। 2264 करोड़ रुपए की कंपनी को इस क्वार्टर में आमदनी हुई है, जबकि FY19 का जो सेकंड क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 1919 करोड़ रुपए की आय दर्ज कराई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी कि सालाना आधार पर कंपनी के एबिटा पर नजर डालें तो 363.7 करोड़ से ये बढ़कर 452.6 करोड़ पर आ पहुंची है। एबिटा मार्जिन 18.9% उछले हैं और 20% पर आ गए हैं, तो मुनाफा 45.7% बढ़ा है, 18% की बढ़ोतरी आमदनी में भी कंपनी की दर्ज की गई है। पोस्ट नंबर्स कंपनी के स्टॉक पर नजर डालें तो वीकनेस दर्ज की गई है। एल्केम लेबोरेटरीज का स्टॉक 1.95% टूटकर 1995 के लेवल्स पर बंद हुआ है। शुगर स्पेस की कंपनी है बलरामपुर चीनी, इसने भी अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं। कंपनी को 7.9% कंपनी का मुनाफा बढ़कर 99.8 करोड़ पर आ चुका है, जबकि FY19 का जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें 92.5 करोड़ रुपए की कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। कंपनी की आय पर नजर डालें तो 15.6% ये घटी है, 857 करोड़ पर आ चुकी है, जबकि FY19 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी को 1015 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। कंपनी के एबिटा पर नजर डालें तो 141.1 करोड़ रुपए से ये बढ़कर 154.6 करोड़ के हुए हैं। एबिटा मार्जिन 13.9% से बढ़कर 18% के हुए हैं, तो मुनाफा 7.9% बढ़ा है लेकिन आय में कमी दर्ज की गई है, 15.6% घटकर 857 करोड़ की हुई है कंपनी को आमदनी। लेकिन पोस्ट नंबर्स कंपनी के शेयर में की अगर बात की जाए तो मामूली बढ़त लेकर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, 0.27% की बढ़त 149 के लेवल्स पर क्लोजिंग। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कारोबार में कंपनी है NTPC, इसने भी अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं। दूसरी तिमाही के जो नतीजे हैं FY20 के उसमें कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़कर 3260 करोड़ रुपये का रहा है, जबकि FY19 का जो सेकेंड क्वार्टर रहा था उसमें 2340 करोड़ रुपये की प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। कंपनी की आय की बात की जाए तो 22,760 करोड़ रुपए की कंपनी की आमदनी इस क्वार्टर में हुई है, जबकि FY19 का जो सेकंड क्वार्टर रहा था उसमें 22,260 करोड़ रुपए की आमदनी कंपनी को हुई थी। कंपनी के एबिटा अन्य स्रोत से जो आय कंपनी को हुई है वो भी आपको बता देते हैं, 890 करोड़ रुपए ये रही है, जबकि FY19 का जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें कंपनी की अन्य आय 220 करोड़ रुपए की दर्ज की गई थी, तो मुनाफा 3,260 करोड़ रुपए का रहा है, आय 22,760 करोड़ रुपए की इस क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज की है। स्टॉक की अगर बात की जाए तो 0.72% की तेजी, पोस्ट नंबर्स हमने देखी है, 118 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। फार्मास्यूटिकल स्पेस की एक और कंपनी है जो आज चर्चा में रही, खबर आपको बता देते हैं। पूर्व नेशनल अकाउंट डायरेक्टर सैंड्रा हेगन ब्रॉक ने कंपनी पर US फॉल्स क्लेम एक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने US FDA से मंजूरी मिले बिना दवा को प्रमोट करने का ये आरोप कंपनी पर लगाया गया है। 3 दवाओं के ऑफ लेबल प्रमोशन का भी कंपनी पर आरोप लगा है, तो कंपनी पर US फॉल्स क्लेम्स एक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज कराया है पूर्व नेशनल अकाउंट डायरेक्टर ने। साथ ही US FDA से मंजूरी मिले बिना कंपनी ने दवा को प्रमोट किया है और 3 दवाओं के ऑफ लेबल प्रमोशन का भी कंपनी पर आरोप लगा है। और पोस्ट एक नेगेटिव न्यूज़ है, उसके बाद हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक में नहीं देखने को मिली है, 0.06% का दबाव लेकर 421 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। 6.16% की तेजी लेकर 305 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। यस बैंक आज वैसे भी प्राइवेट और PSU बैंक इंडेक्स में तेजी का रुझान था और उसी का एक पार्टिसिपेंट बना यस बैंक। 5.73% की मजबूती लेकर 72.90 रुपये पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तेल गैस शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली, BPCL पर इसका असर दिखा, 2.81% की तेजी 516 के लेवल्स पर क्लोजिंग। गेल 2.48% ये भी मजबूत हुआ है, 130 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। ऑटो स्पेस की कंपनी है टाटा मोटर्स, 1.72% की तेजी लेकर 171 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में चढ़कर बंद हुए हैं।
चले कौन से स्टॉक्स निफ्टी में गिर गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। नेस्ले इंडिया में आज करीब करीब 2.25% की गिरावट देखने को मिली, टू बी वेरी प्रिसाइज 2.37% फिसला है स्टॉक, 14,128 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। हीरो मोटोकॉप 2.25% की गिरावट 2590 पर क्लोजिंग। मेटल स्पेस की कंपनी हिंडाल्को आज मेटल स्पेस में बिकवाली हावी रही और हिंडाल्को पर उसका असर देखने को मिला, 2.25% के करीब करीब टूटा है, 199 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। एक और मेटल काउंटर है वेदांता, ये भी करीब करीब 2% टूटकर 152 के लेवल्स पर बंद हुआ है। फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी 1.75% टूटी है, सिप्ला की हम बात कर रहे हैं, 554 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये निफ्टी में गिरने वाले शेयर्स हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं सेंसेक्स में, लेकिन कौन से स्टॉक्स चढ़े हैं वो भी बता देते हैं। हमारा राजा बैटरीज में आज 10% का उछाल देखने को मिला, 719 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। एसएल प्रोपैक 9.97% की तेजी, 128 के लेवल्स पर क्लोजिंग। शिपिंग कॉरपोरेशन में 9% का उछाल दर्ज किया गया, 62.80 पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी। डिश टीवी 8.75% मजबूत होकर 14.92 पर क्लोज हुआ है। अदानी एंटरटेनमेंट 1.25% की मजबूती लेकर 210 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो सेंसेक्स में चढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन सेंसेक्स में कौन से स्टॉक्स गिरे हैं वो भी जान लेते हैं। रेमंड्स 7.42% की वीकनेस हमने स्टॉक में देखी है आज के सेशन में, 748 के लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ है। रिलायंस इंफ्रा 4.99% की वीकनेस, 44.70 पर क्लोजिंग। एग्री स्पेस की कंपनी है अवंती फीड्स, 8.5% के करीब ये टूटा है, 507 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। अक्जो नोबल में भी आज मुनाफा वसूली हावी रही, 8.67% फिसलकर 1967 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। रिलायंस कैपिटल में भी आज करीब करीब 5% के करीब फिसला है, 24.50 पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज सेंसेक्स में गिरकर लाल निशान में बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक होकर आप चल रहे हैं, लेकिन अगर हम एक स्पेस की बात करें, ऑटो स्पेस की, इसमें लगातार स्लो डाउन का माहौल बना हुआ है। इस सेक्टर को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हैं, क्योंकि अब भी जो नंबर्स आए हैं मारुति के, उसमें हमने देखा है कि प्रोडक्शन कंपनी ने फिर से घटा दिया है। तो इस ओवरऑल सेक्टर की अगर बात करें तो कितना और स्लो डाउन हमें देखने को मिला था, क्योंकि जो त्योहारी सीजन था उसमें तो अच्छी बिक्री हुई थी, लेकिन अब दोबारा से जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं उसमें कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार नहीं है, उसके रीजंस क्या हैं, किस तरह से आप इस सेक्टर को देख रहे हैं और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इसमें? मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में फेस्टिव सीजन के बाद तो जरूर थोड़ा बहुत अपटिक देखने को मिला था, लेकिन जो दिसंबर का क्वार्टर आएगा हमको लग रहा है कि मार्केट में वापस डिमांड को पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत नरमी देखने को मिली है। स्पेशली अगर हम मारुति या महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी नंबर्स देखें तो वहां पे भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी तेजी से घटा है। हमको लग रहा है कि मार्च के बाद होपफुली इस सेक्टर में अच्छी खासी बढ़त आने की उम्मीद है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी। हालांकि महिंद्रा और मारुति अगर थोड़े निचले लेवल पे आते हैं तो लंबी अवधि के लिए ये दोनों ही अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टर को पैसा बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकती है। चलिए शॉर्ट टर्म में ऑटो स्पेस से थोड़ा सा दूरी बनाने की को आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मार्च के बाद ही इस सेक्टर में थोड़ी सी उम्मीद की जा रही है सुधार की। सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की आप बात कर रहे हैं, काफ़ी चूजी होकर आपको स्टॉक्स पिक करने होंगे इन्वेस्टर्स को, तो ऐसे में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं और उनका नज़रिया क्या रहेगा? कि प्राइवेट बैंकिंग में हमको अभी भी इस लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। हालांकि स्टॉक काफी रिजल्ट्स के बाद चढ़ चुका है, लेकिन जिस प्रकार के एक्सपेक्टेशन है सेकंड हाफ के लिए, हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ, रिटेल का जो मिक्स है वो बैंक को काफी फायदा करेगा। और मुझे लग रहा है कम से कम 6-12 मंथ में अगर खरीद है तो इस लेवल से भी मेरे पास 560 टारगेट पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो गैस स्पेस में है, गुजरात गैस है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से चल रहे हैं। हमको लग रहा है कि नॉट ओन नतीजे बट इस प्रकार की गवर्नमेंट की गैस पॉलिसी का जो रवैया है, हमको लग रहा है कि अनदर 6-12 मंथ में अगर कोई इस लेवल से खरीदता है तो करीबन 250-260 का टारगेट मिलेगा। तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट है, इन्वेस्टर्स को इनको होल्ड करके साल भर का टाइमलाइन रखना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया सर ये तमाम कॉल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। क्विक रिकैप आपको दे देते हैं, 6 से 9 महीने की या फिर
साल भर की अवधि का अगर आपका नजरिया है तो दो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक का होगा, प्राइवेट स्पेस का बैंक है ये, फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं बैंक के। आज के सेशन में अगर बात की जाए तो 1.5% की तेज़ी हमने देखी थी, स्टॉक बंद हुआ है 496 के लेवल्स पर। एक साल के अंदर 570 के टारगेट से स्टॉक आपको दिखा सकता है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। जॉइंट कैपिटल आप इस स्टॉक को लेकर बुलिश है। दूसरा जो काउंटर है जिसमें खरीदारी की सलाह आपको दी गई है वो होगा गुजरात गैस का। आज के सेशन में 1.32% की बढ़त हमने देखी थी और आगे आने वाले एक साल में ये स्टॉक आपको 260 के लेवल्स दिखा सकता है। आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहा था वो 198 का रहा था। तो ऐसे में इन दोनों ही स्टॉक्स पर आप नजर रख के चल सकते हैं, दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। चले तो मार्केट्स को लेकर आपको किस तरह की रणनीति अपनानी होगी। ऑटो सेक्टर में जिस तरह से अविनाश ने कहा कि वीकनेस शॉर्ट टर्म में बनी रह सकती है, लेकिन मार्च के बाद इस सेक्टर में थोड़े से सुधार देखने को मिल सकते हैं। हमने फंडामेंटल व्यू तो जान लिया है, लेकिन टेक्निकल व्यू क्या होना चाहिए मार्केट्स को लेकर और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आपके रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए वो भी जान लेते हैं। ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टॉक एक्सिस में टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ब्रजेश, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सो मार्केट्स में आज हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी है, सुधार हुआ है, लेकिन निफ्टी 12,000 के दोबारा से नीचे आ चुका है। ऐसे में टेक्निकल चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं निफ्टी के लिए, कौन कौन से लेवल्स ये दिखा सकते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैंने पहले भी आपके शो में कहा है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर रेंज को देखें तो नीचे में 11,700 का लेवल है, ऊपर में 12,150 का है। अगर वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें डायरे में तो 11,820 या 11,800 का लेवल रहेगा और ऊपर में साइकोलॉजिकल 12,400 का रहेगा। मोटा मोटा आप ये मान के चलते हैं कि 200 पॉइंट के दायरे में निफ्टी ट्रेड करेगा और ट्रेंड की अगर आप बात करें तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे कि अगर आपने निफ्टी को अगर देखा होगा पूरे दिन निफ्टी स्लैगिश रहा था ओपनिंग और नेगेटिव, बट लास्ट में हाफ आवर और वन आवर में जो बाइंग हुई है तो फिर उसको मजबूती की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो मेरी सलाह यही रहेगी अगर हम मौजूदा स्तर को लेके चले, निफ्टी के स्पॉट वैल्यू को 11,912 पे बंद हुआ है तो लगभग अगर 11,870 के आसपास में निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। 11,840 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए और इंट्राडे के लिहाज से जो टारगेट है वो लगभग 11,950-11,960 का। रही बात बैंक निफ्टी की अगर हम करें तो बैंक निफ्टी में मजबूती बनी हुई है 31,138 के आसपास में बना हुआ है। बाइंग का जो लेवल है वो लगभग 30,931 के आसपास में आता है। स्टॉप लॉस बतौर आप 30,800 का रख सकते हैं और ऊपर स्तर के जो लेवल है जो टारगेट की तरह काम करेंगे वो 31,350-31,400 का लेवल, ये आप एक वीकली एक्सपायरी के बतौर आप देख सकते हैं। ठीक है सर, एक बार टारगेट्स दोबारा बताइएगा बैंक निफ्टी के। देखिए बैंक निफ्टी बाइंग करने का जो रेंज रहेगा वो 30,900-31,000 के आसपास का रहेगा और फिक्स स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रखेंगे 30,800 का। ऊपर के जो टारगेट है वो 31,350-31,400। ठीक है, तो निफ्टी में 11,770 पर निफ्टी अगर आता है तो आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। 11,950-11,960 के लेवल्स निफ्टी आपको दिखा सकता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी 31,000 पर आएगा तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको मार्केट्स में रखनी है। तो निफ्टी के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 29,800 का होगा। 31,350-31,400 के लेवल्स बैंक निफ्टी आपको दिखा सकता है। सर, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होंगी आपकी, कौन कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ले रहे हैं और नजरिया क्या रहेगा? जो भी कॉल मैं लेके चल रहा हूँ वो 2-4 दिन के लिहाज से ठीक है, बाई साइड की है। चार कॉल है, चारों कॉल बाई साइड की है। पहली कॉल जो है वो ऑटो सेक्टर में से है, अशोक लेखन। एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, लगभग 79.20 रुपीज के आसपास में बंद हुआ है। तो मोटे तौर पे बाइंग करने की सलाह रहेगी, 77.50 का आप स्टॉप लेके चलिए और शॉर्ट टर्म 2-3 दिन के लिहाज से टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो लगभग 83 के आ रहे हैं। ठीक है, जो दूसरी बाई कॉल है वो RBL बैंक की है, लगभग 718-720 से जो इसकी पिटाई हुई थी और जो 220 तक गया था या 225 तक गया था, आज उसमें एक उछाल देखने को मिला है।
23.6% का जो रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है दो के लिए आते उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 343 के आसपास में ये बंद हुआ है। साइन कीजिए 338 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, 355 360 के जो टारगेट है तो 2-3 के दिन के लिए लिहाज से आपको अचीवर होते हुए नहीं है। ICICI बैंक ओवरऑल ट्रेंड में बहुत मजबूती है और आपको आने वाले दिनों में एक नया सप्लू भी स्टॉप देखने को मिलेगा, 496 के आसपास में बंद हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं इसका जो दायरा है वो लगभग 500-502 ऊपर में, नीचे में 480 है। अब ये ऊपर की तरफ से डायरेक्ट टूटते हुए दिख रहे हैं मुझे चार्ट के अनुसार, 496 के आसपास में बंद हुआ है, बाइंग कीजिए। 490 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, 510 का टारगेट है 2-3 दिन के लिए। और जो टॉपिक कॉल है वो एस्कॉर्ट की है, एक हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिला है, लगभग 671 के आसपास में ये बंद हुआ है, मौजूद सतह बाइंग कीजिए। 659 का एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लेके चलिए और 695 और 700 के लगभग टारगेट है, 2-3 दिन में आपको वो अचीवेबल होते हुए दिखे। चलिए बहुत शुक्रिया ब्रजेशी, ये तमाम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक क्विक रिकैप आपको दे देते हैं, चार कॉल्स ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको दी गई हैं। अशोक लेलैंड खरीदारी करके चल सकते हैं, आज के सेशन में 3.46% की बढ़त देखी थी, 79.25 के लेवल्स पर ये स्टॉक बंद हुआ था, टारगेट 83 का आपको दिया गया है। तो ब्रजेश सिंह का ऐसा मानना है कि स्टॉक 2-3 दिन में 83 के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। RBL बैंक को भी खरीदा के चलिए, इसमें भी आपको खरीदारी की सलाह दी गई है, आज के सेशन में 6% मजबूत हुआ था स्टॉक और आपको 355 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है, 343 के लेवल्स पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। अगली जो बाय कॉल है वो ICICI बैंक में है और 510 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, आज के सेशन में 1.5% की बढ़त हमने स्टॉक में देखी थी, 490 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। तो मजबूती देखने को मिल सकती है इन तीनों ही कंट्रीज में। और जो लास्ट बाय कॉल है वो एस्कॉर्ट्स में दी गई है, ऑटो स्पेस की कंपनी है, आज के सेशन में 2.70% की तेजी हमने देखी थी और ये स्टॉक 695 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहा था वो 671 का रहा था, तो 695 के लेवल्स पर ये स्टॉक जा सकता है अगले 2-3 दिनों में। ऐसे में इन तमाम कॉल्स पर नजर रख के चलिए, मुनाफा आप कमा सकते हैं। चलिए मार्केट्स की तो बात हो गई है लेकिन खबरों में क्या कुछ खास है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑटो सेक्टर के स्लोडाउन की। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने लगातार 9वें महीने अपना उत्पादन घटा दिया है। कंपनी ने इस साल अक्टूबर महीने में वाहन उत्पादन में करीब 21% की कटौती करी है। जानकारी दे दें कि मारुति सुजुकी की बिक्री इस साल अक्टूबर महीने में इसमें इजाफा देखने को मिला था 4.5% का, लेकिन बावजूद इसके कंपनी ने अक्टूबर में अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया। कंपनी ने इस साल अक्टूबर महीने में 119,337 वाहनों का उत्पादन किया। बीते साल इस महीने में ये आंकड़ा 150,497 यूनिट्स का था। आंकड़े बताते हैं कि यात्री वाहनों का जो मैन्युफैक्चर है बीते महीने यानी कि अक्टूबर में 20.85% घटा था, 117,383 यूनिट रहा था, जो अक्टूबर 2018 में 148,318 यूनिट्स दर्ज किया गया था। ऑल्टो, न्यू वैगनर, सिलेरियो, इग्निस स्विफ्ट, बलेनो और डिजायर जैसी मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में वाहनों का जो उत्पादन है इस साल अक्टूबर में 21.57% घटकर 85,064 यूनिट्स रहा, जो एक साल पहले यानी कि 2019 में अक्टूबर में 108,462 यूनिट्स दर्ज किया गया था। एक तरफ जहां यात्री वाहनों का उत्पादन घटा है तो वहीं यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में विटारा ब्रेजा, आर्टिगा, एस क्रॉस के प्रोडक्शन में हल्की बढ़ोतरी आई है। इस साल अक्टूबर महीने में 22,736 वाहनों की बिक्री हुई, बीते साल ये जो आंकड़ा था वो 22,526 यूनिट्स का दर्ज किया गया था। मिड साइज सेडान गाड़ियों की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन की स्पेशली तो साल यानी कि 2019 में 3,513 की तुलना में इस साल अक्टूबर महीने में यह आंकड़ा 1,1922 रह गया। लाइट कमर्शियल व्हीकल की प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो 2,179 से यह घटकर 1,954 माफ कीजिएगा प्रोडक्शन 2,179 से घटकर 1,954 का दर्ज किया गया है। सितंबर मंथ की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी की ओर से उत्पादन में करीब 17.48% की कटौती हुई है। तो ऑटो सेक्टर में अभी भी स्लोडाउन बरकरार है और ऐसे में मारुति सुजुकी के जो नंबर्स आए हैं वो लगातार उनमें दबाव देखने को मिला है। मारुति ने लगातार 9वें महीने अपने प्रोडक्शन में कमी की है। जो बीता महीना रहा था वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था सेल्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने प्रोडक्शन में
एक्सपेंशन नहीं किया है और कंपनी ने अपना प्रोडक्शन अब कम कर दिया है। मल्टीनेशनल कंपनियों के बहिष्कार करने वाली बाबा रामदेव की स्वदेशी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अब वैश्विक स्तर पर कारोबार के लिए विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रही है। जी हां, और इस बात की संकेत खुद पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्णन ने दिए हैं। आचार्य बालकृष्णन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 3 से 4 वैश्विक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए अपनी रुचि दिखाई है। आचार्य बालकृष्णन ने यह भी जानकारी दी कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने के खिलाफ नहीं है। हमने अभी किसी भी MNC को मना नहीं किया है, हम उनके ऑफर्स का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पतंजलि को अप्रोच करने वाली किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम उजागर करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इससे पहले फ्रांस के दिग्गज लग्जरी ब्रांड LMVH ने पतंजलि में इक्विटी खरीदने की इच्छा जताई थी। बालकृष्ण का यह भी मानना है कि 2 साल पहले लागू हुए GST के चलते पतंजलि को नुकसान हुआ है। GST के कारण कंपनी ट्रेड सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम वापसी करेंगे और इसका परिणाम तिमाही नतीजों में साफ देखने को मिलेगा। पतंजलि के आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस साल जुलाई से सितंबर की जो तिमाही रही है उसमें पतंजलि की जो कुल बिक्री है वो 1769 करोड़ रुपए रही है, जबकि बीते साल समान अवधि में कंपनी की जो आंकड़े रहे थे वो 1576 करोड़ रुपए के रहे थे। हाल ही के दिनों में पतंजलि के कारोबार को लगातार नुकसान हो रहा है। निल्सन ने जो डाटा रिलीज किया है उसके मुताबिक कंपनी अपनी सभी कोर कैटेगरी में बाजार की जो हिस्सेदारी है वो खोती नजर आ रही है। जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के बीच पतंजलि के डिटर्जेंट, हेयर केयर, साबुन और नूडल्स ने अपनी बाजार की जो हिस्सेदारी है उसमें वो पूरी तरह से गंवा दी है। इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को रीलॉन्च किया है और इस अवधि में केवल पतंजलि टूथपेस्ट ने अपनी बाजार में जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। विदेशी कंपनियों के साथ अब हाथ मिलाने को पूरी तरह से तैयार दिख रही है पतंजलि। एक समय ऐसा था जब पतंजलि बाबा रामदेव की जो ये कंपनी है ये पूरी तरह से बहिष्कार करती थी MNCs का, लेकिन आज हालात ये आ गए हैं क्योंकि लगातार दबाव देखने को मिल रहा है कंपनियों के आंकड़ों पर और प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसमें भी कमी आई है। और ऐसे में हालात को देखते हुए कंपनी ने ये डिसाइड किया है वो अब MNCs के साथ मिलकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अब कारोबार का विस्तार करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। किफ़ायती कीमतों पर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट उपलब्ध कराने और मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इन पार्कों को बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। जानकारी में ये सामने आया है कि सभी पार्क्स अलग अलग राज्यों में बनाए जाएंगे। PTI की रिपोर्ट में सामने आया कि ये पार्क आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बनाए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड और गुजरात ने भी ऐसे मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए अपनी सिफारिश पेश की है। इन मेडिकल डिवाइस पार्क में वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां कंपनियां आसानी से आकर अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें सामने आया है कि मेडिकल डिवाइस पार्क्स की स्थापना से आयात बिल में कटौती होगी, साथ ही इससे स्टैंडर्ड टेस्टिंग फैसिलिटी की सुविधा भी मिलेगी। माना यह भी जा रहा है कि उत्पाद लागत में कमी आ सकती है। अनुमान के मुताबिक देश में मेडिकल डिवाइस रिटेल मार्केट का करीब 70,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसमें घरेलू मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी काफी कम है। मेडिकल डिवाइस के मामले में भारत एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अनुमान के मुताबिक भारत मेडिकल डिवाइस का सबसे बड़ा आयातक है, जबकि घरेलू इंडस्ट्री की हिस्सेदारी वैश्विक इंडस्ट्री के मुकाबले केवल 2% है। तो अब जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि देश भर में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे और केंद्र सरकार ने मेडिकल पार्क बनाने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। चलिए स्विस बैंकों से जो खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों के 10 से ज़्यादा निष्क्रिय खातों का पिछले 6 सालों में कोई दावेदार सामने नहीं आया है। जानकारी जो मिली है उसमें सामने आया कि तय सीमा के अंदर दावेदारी और विवरण नहीं सौंपने पर इन खातों की रकम स्विट्जरलैंड सरकार को ट्रांसफ़र हो सकती है। स्विस सरकार ने 2015 में बैंकों के निष्क्रिय खातों की जानकारी सार्वजनिक करना शुरू किया था। अब तक बंद पड़े 3,500 खातों में करीब 300 करोड़ रुपये
जमा होने का ही पता चला है। इनका कोई दावेदार सामने नहीं आया है। इनमें से कुछ खाता धारकों के विवरण सौंपने की मियाद अगले महीने और बाकी के लिए अगले साल दिसंबर तक है। बता दें कि वैश्विक दबाव में स्विट्जरलैंड ने पिछले कुछ साल से अपनी बैंकिंग प्रणाली की निगरानी दूसरे देशों के लिए खोली है। ऑटोमेटिक सूचना विनियम प्रणाली के समझौते के बाद स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ बैंक खातों की जानकारी साझा की। भारत सरकार ने जून 2014 में स्विट्जरलैंड से स्विस बैंकों के भारतीय खाता धारकों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद स्विस सरकार ने सितंबर 2019 में भारतीयों के खातों का पहला ब्यौरा सौंपा था। साथ ही 2018 में बंद किए गए खातों की जानकारी भी साझा की गई थी। खातों की अगली डिटेल सितंबर 2020 में मिलेगी। माँ वैष्णो देवी के लिए तैयार किए गए दिल्ली कटरा एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 575 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का सर्वे पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुखवीर सिंह सिंधु के मुताबिक इस एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर के निर्माण में 35,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद जम्मू कश्मीर को सड़क मार्ग के जरिए नई दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस कॉरिडोर पर ऐसी शानदार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रोड से सफर करने का विकल्प चुने। मिली जानकारी में यह भी सामने आया कि सड़क के सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब इस कॉरिडोर के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसी औपचारिकताओं को पूरा करना जाना बाकी है। इस कॉरिडोर को अमृतसर से भी जोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर के भी दर्शन कर सकें। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि कॉरिडोर के साथ जम्मू पठानकोट हाईवे को मौजूदा 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन का किया जाएगा। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर जल्द ही तैयार होगा जिससे आप एक अच्छी कनेक्टिविटी के जरिए नई दिल्ली से जम्मू का सफर आराम से कर सकेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ें तो जानकारी दे दें कि भारतीय रेल की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को अपने परिचालन के पहले महीने यानी कि अक्टूबर में ही 70 लाख रुपए का फायदा हुआ है। मिली जानकारी में सामने आया कि तेजस एक्सप्रेस को टिकट बिक्री से करीब 3.70 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। जानकारी दे दें कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई है। इसका परिचालन ऑनलाइन टिकट, खाना, पर्यटन सुविधा देने वाली IRCTC यानी कि रेलवे की
की कंपनी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन कर रही है। ये भी आपको जानकारी देने कि सरकार ने रेलवे में सुधार के लिए 50 स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के साथ साथ रेलवे नेटवर्क पर 150 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन ठेका निजी इकाइयों को देने का लक्ष्य रखा है। तेजस एक्सप्रेस इसी योजना का हिस्सा है। ट्रेन का परिचालन हफ्ते में 6 दिन किया जाता है। तो आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के 24 घंटे के मेगा शॉपिंग इवेंट सिंगल डे सेल की शुरुआत हो चुकी है। ये शॉपिंग फेस्टिवल हर साल 11 नवंबर को आयोजित किया जाता है। कंपनी इस साल सेल से नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद में है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने 24 घंटे के मेगा शॉपिंग सिंगल डे सेल के पहले 1.5 घंटे में 1.15 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा है। इसी के साथ कंपनी को उम्मीद है कि वो सेल से नया रिकॉर्ड बनाएगी। कंपनी का दावा है कि सिंगल डे सेल के पहले 9 घंटे में उसने कुल 1.60 लाख करोड़ रुपए की बिक्री की है। दरअसल अलीबाबा का शॉपिंग फेस्टिवल हर साल 11 नवम्बर को शुरू होता है। इसकी शुरुआत 2009 में 7.8 ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के साथ हुई थी। बीते साल इस सेल में 30.8 अरब डॉलर की रिकॉर्ड कमाई दर्ज की गई। इस साल की सिंगल डे सेल में 78 देशों के 22,000 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड शामिल होंगे। ये सेल अलीबाबा के डेडिकेटेड चैनल टी मॉल ग्लोबल पर आयोजित की जाएगी। टी मॉल ग्लोबल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जनरल मैनेजर एल्विन ल्यू के मुताबिक इस साल की सिंगल डे सेल कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। प्री सेल्स के शुरुआती घंटे में हुए ट्रांजैक्शन में बीते साल के मुकाबले 113% ग्रोथ हुई है। सिर्फ 1 घंटे 47 मिनट में बीते साल का सेल्स रिकॉर्ड टूट गया है। भारत में इस सेल का फायदा यूसी शॉपिंग फेस्टिवल के साथ उठाया जा सकेगा। इसमें पेटीएम, वीमैट और 9 ऐप्स साझेदार होंगे। आपको बता दें कि बीते साल इस सेल को एशिया के बाजारों में उतारा गया था। इस साल भी इस सेल का आयोजन पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में किया जाएगा। आखिर क्या है सिंगल डे, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल चीन में 2009 से 11 नवंबर को कुंवारे लोगों के लिए सिंगल डे मनाया जाता है। 11 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1 नंबर सिंगल लोगों की तरह दिखता है। इसके अलावा लोग इस दिन अपने रिश्ते को भी सेलिब्रेट करते हैं। 2011 में बीजिंग में 4,000 जोड़ों ने शादी की थी, जबकि आम दिनों में चीन में एक दिन में औसतन 700 शादियां होती हैं। इसके साथ ही अब ये फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग फेस्टिवल बन गया है। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।